नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए पितृ पक्ष श्राद्ध में आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसका महत्व क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे महाराज युधिष्ठिर, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही अपने नरक भोग रहे पूर्वजों को पाप मुक्त करके उनका भी उद्धार कर देता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान ही फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय में माहिष्मती नगरी में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी और यशस्वी राजा राज्य करता था। राजा इंद्रसेन ने अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। वो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। अपना हर कार्य भगवान श्री हरि के नाम के उच्चारण से प्रारंभ करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनके राज्य में धन धान्य, पुत्र पौत्र और समस्त सुख ऐश्वर्यों से संपन्न था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य बैठे भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से भगवान श्री हरि के परम भक्त दिव्यमान नारद मुनि को धरती पर उतरते हुए देखा। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि को प्रणाम किया और उन्हें अपने महल में पधारने का आग्रह किया। महल में राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया और उनका आदर सत्कार किया। राजा के इस आतिथ्य से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से तीन प्रश्न किए। नारायण नारायण, हे राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग कुशल हैं? क्या आप अपनी प्रजा के विषय में विचार करते हैं? क्या आप भगवान श्री हरि की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हैं? राजा इंद्रसेन ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में सातों अंग कुशल है। मैं अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन पोषण करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, आप मुझे अपने यहाँ आने का कारण बताएं। तब नारद मुनि बोले, वो क्या है ना राजन, जब मैं ब्रह्म लोक से यम लोक में पहुँचा तो वहाँ मैंने यमराज की सभा में आपके पिताश्री को देख लिया। उन्हें वहाँ देखकर मुझे अत्यंत ही आश्चर्य हुआ। जब मैंने उनकी यमलोक में उपस्थिति का कारण उनसे पूछा तब मुझे ज्ञात हुआ कि वह तो अत्यंत ही धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत का पारण समय से पहले ही कर दिया था, इसीलिए वह यमलोक की यात्रा भुगत रहे हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हे पुत्र, तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन अवश्य करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक जा सकूं। नारद मुनि आगे बोले, हे राजन, मैं तो यहाँ आप तक आपके पिता श्री का संदेशा पहुँचाने आया हूँ, जिससे आप एक आदर्श पुत्र बनकर आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें और अपने पिताश्री को यमलोक से मुक्ति दिला सकें।
नारद मुनि की बात सुन राजा इंद्रसेन जिज्ञासा पूर्वक पूछने लगे, हे मुनिवर, इस एकादशी का व्रत और उसका पालन कैसे करूं? कृपा करके आप मुझे उसका ज्ञान प्रदान करें। तब नारद मुनि बोले, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी है। दशमी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें, अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। दशमी के दिन एक बार से अधिक अन्न ग्रहण ना करें और भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान के सामने एकादशी व्रत का संकल्प करें। अपराहन में भगवान श्री हरि के विग्रह शालिग्राम जी की पूजा करें, भगवान को भोग लगाएं, अपने पूर्वजों को भोग अर्पित करें, फिर उस भोग को सूंघ कर उसे गाय को अर्पित करें। इसके पश्चात रात्रि में श्री हरि के भजन कीर्तन करें, फिर द्वादशी के दिन पूरे भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पारण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत का पालन किया। तब आकाश से पुष्प बरसने लगे और राजा ने स्वयं आकाश मार्ग से अपने पिता को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन कर राजा इंद्रसेन ने स्वयं भी वैकुंठ लोक को प्राप्त किया था। जय श्री कृष्ण।